Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ओवुलेशन डिस्चार्ज के बारे में, यानी पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं का ओवुलेशन का डिस्चार्ज निकलता है, कब तक निकलता है, ये कैसा होता है, कैसे इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कब आपका ओवुलेशन हो रहा है. ओवुलेशन होने का मतलब है आपकी एक ओवरी से अंडे का बाहर निकलना. बिकॉज कई बार क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में ओवुलेशन के दौरान एज सच कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जिससे महिलाएं नहीं समझ पाती हैं. अगर आपको फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवानी है, ओवुलेशन किट का नहीं यूज़ करना है और नेचुरल तरीके से अगर जानना चाहते हैं कि कब आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन डिस्चार्ज इज द ऑथेंटिक लक्षण. ये सबसे ऑथेंटिक लक्षण है जो हर एक महिला में ओवुलेशन के दौरान देखा जाता है. बस आपको ये पहचानना है कि किस तरीके का निकलता है. क्योंकि देखिए गाइस, हर एक महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती. कई महिलाओं को 21 दिन में आते हैं, तो कई महिलाओं को 28 में भी आते हैं, 35 में भी आते हैं, 40 में भी आते हैं. तो पीरियड खत्म होने के बाद आपका ओवुलेशन भी एक दिन नहीं होता है. कुछ महिलाओं का ओवुलेशन जल्दी हो जाता है, कुछ महिलाओं का लेट हो जाता है. यानी पीरियड खत्म होने के बाद कुछ महिलाओं का एक हफ्ते के अंदर हो जाता है, कुछ महिलाओं का 10 दिन का टाइम लगता है, कुछ महिलाओं का 15 दिन का टाइम लगता है. तो किस तरीके से आप बताएं, एक आपको पीरियड खत्म होने के एक हफ्ते बाद ओवुलेशन होगा या 10 दिन बाद होगा या 15 दिन बाद होगा, उसके लिए बस आपको अपने डिस्चार्ज को नोटिस करना है. क्योंकि ओवुलेशन के टाइम जैसे आपके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, हार्मोन जब पीक लेवल पे पहुंचते हैं, तो महिलाओं के डिस्चार्ज में भी बदलाव आता है. तो ये किस तरीके का बदलाव होता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आप समझ पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद आपकी ओवरी से सक्सेसफुली अंडा बाहर निकल रहा है. क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी अंडे का रिलीज होना. अगर ओवुलेशन के टाइम अंडा रिलीज हो रहा है और स्पर्म सेल अंडे से मिल गया है, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हैं, नहीं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नहीं है. क्योंकि गाइस, ओवुलेशन ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं. क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक एग और एक स्पर्म की जरूरत होती है. अगर ओवुलेशन नहीं पता चल रहा है और आप कोई और दिनों कॉन्टैक्ट में है, तो कोई फायदा नहीं है. इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि ओवुलेशन डिस्चार्ज कैसा होता है. देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें ओवुलेशन डिस्चार्ज की, ओवुलेशन का जो डिस्चार्ज है ये आपका मिड साइकिल में निकलेगा. अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 से 35 दिन की है, तो ये डिस्चार्ज आप पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में नोटिस कर सकते हैं. होप करती हूँ आपको पता होगा पीरियड साइकिल लेंथ को कैसे काउंट किया जाता है. जो जब आपकी पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है, जो पहला दिन है, वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ का भी पहला दिन होता है. तो 10 से लेके 20वें दिन के बीच में अगर आप इस तरीके के डिस्चार्ज में नोटिस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ओवरी से आपका अंडा बाहर निकल चुका है. क्योंकि इस टाइम पे हार्मोन तो पीक पे होते ही होते हैं, साथ ही साथ जैसे ही ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, तो हार्मोन का फ्लक्चुएशन भी होता है. पहले एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, और ओवुलेशन होने के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है. तो इस टाइम पे जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो भी चेंज होती है. जो सर्विक्स की पोजीशन है, अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं सर्विक्स को, आप देखेंगे वो हाई चली गई है, वो एरिया सॉफ्ट हो गया है, वेट हो गया है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो भी और दिनों से ज़्यादा निकल रहा है. ज़्यादा तो निकल ही रहा है, बट साथ में वो डिस्चार्ज गीला निकल रहा है. कभी भी आपको ओवुलेशन के दौरान सूखा डिस्चार्ज नहीं निकलेगा, वो डिस्चार्ज गीला होता है, चिपचिपा होता है, चिकना होता है, और साथ ही साथ जो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. अगर दो फिंगर में आप स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच भी हो जाता है. इस तरीके का डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन को तो दर्शाता है ही, साथ ही साथ इस तरीके का डिस्चार्ज स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है. क्योंकि स्पर्म इसी एनवायरनमेंट पे ज़िंदा रहता है, ये डिस्चार्ज स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है एग तक पहुँचना. इसीलिए बोला जाता है कि ओवुलेशन के दौरान अगर आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो स्पर्म सेल के एग सेल तक पहुँचने के चांसेस 99% होते हैं. तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी तभी 99% होते हैं. इस तरीके का डिस्चार्ज आमतौर पे आपको 2-3 दिन ही दिखेगा पीरियड साइकिल के बेड में. अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है, तो ये आपके ओवुलेशन को ही दर्शाता है. आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का आपका बेस्ट टाइम है. इस टाइम पे आप कॉन्टैक्ट में रह के अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बिना किसी दवाइयों के नेचुरल तरीके से
बढ़ा सकते हो। होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज किस तरीके का होता है और कैसे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।